और ये बड़े भ्राता जी बबलू भैया सुल्तानपुर साहिब डीलर साहब 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। प्रवंसी वाले से कामना करती हूँ कन्हैया सुख और सौभाग्य प्रदान हो। वहां से यहाँ तक आकर के सम्मानित किया, ठाकुर जी कृपा दृष्टि बनाए रखें और माँ भगवती का आशीर्वाद बना रहे, जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो। कन्हैया हमेशा धर्म के कार्यों में अपना हाथ आगे को बढ़ाते रहे, यही विलासा और आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। मेहतरानी ने लोटा चढ़ाओ राजा पे, जवाब दो मनसा पाचा कर्मणा, जो मेरे पति में ध्यान तो ये गद्भव आज से हो वे मनुज समान। जो लोटा छोड़ो दादा पुनः राजा गधा से मनुष्य बन गए। अब मेहतरानी के चरणों पे रानी गिर पड़ी, बहना तू जो बोलेगी जैसे बोलेगी मैं वही करूंगी, बस तू मांग ले क्या चाहिए। तो मेहतरानी ने जवाब दो हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, बहुत है हमारे पास, लेकिन इतना निवेदन है कि मैं ये चाहती हूँ एक लोटे के बदले में तुम्हारा पुत्र हमारे यहाँ 100 घड़ों जल भरे, ये मेरी इच्छा है। महाराज इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र, इसीलिए राजा हरिश्चंद्र ने मेहतर के घर में पानी भरा है। ये राजा हरिश्चंद्र जो है ये पहले से सत्यवादी और दानवीर नहीं थे, इन्हें भी झूठ बोलना आता था, इनकी कोई संतान नहीं थी। तो इन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया, वरुण ने कहा कि तुम्हारे संतान तो हो जाएगी लेकिन उसी संतान के द्वारा तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। राजा हरिश्चंद्र बोले महाराज पुत्र पैदा हो जाए मैं बलि दे दूंगा। तो पुत्र हुआ, वरुण आए बोले बलि दो महाराज 6 दिन का हो जाए तब ले जाना, फिर आए बोले बलि दो महाराज 15 दिन का हो जाए तब ले जाना, फिर आए बोले बलि दो महाराज 6 महीने का हो जाए तब ले जाना। झूठ बोलते रहे, राजा को हो गया कोढ़। तो जो पुत्र पैदा हुआ था वो बड़ा हुआ जिसका नाम पड़ा रोहित। रोहित ने अजीकृत के मझले पुत्र सुना सेब को मोल ले लिया और बलि दे दी। राजा का कोड ठीक हो गया। तो राजा हरिश्चंद्र ने ये विचार किया है कि अब चाहे कितने भी संकट आ जाए ना तो कभी झूठ बोलूंगा और ना ही कभी दान करना छोड़ूंगा। यही से राजा हरिश्चंद्र दानवीर और सत्यवादी हो गए। इतने नहीं, इतने हुए हैं इनके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग तक फहराने लगी। जब किसी गुरु का चेला या किसी बाप का बेटा या बेटी नाम रोशन कर दे उस पिता को उस गुरु को बड़ा गर्व होता है। वशिष्ठ जी स्वर्ग लोक में सभा लगी हुई है, वहां बैठे तो अपने चेले की बड़ाई करने लगे, बोले हमारा चेला बड़ा अच्छा बड़ा दानवीर है। विश्वामित्र बोले कि सत होता है व्रत होता है पर सीमा सबकी होती है, सावन भादों के दिन पाए के सरता भी बाहर बहती है, सोना क्या खूब चमकता है जब तलक दिखाओ आंच नहीं, कि बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। वशिष्ठ जी बोले विश्वामित्र जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जाए परीक्षा ले, परीक्षा ले आओ।
एक शूकर का भेष धारण किया और शूकर का भेष धारण करके राजा हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंचे। सारी बगिया को जान दिया। माली आए, माली आए तो मालियों को घायल कर दिया। एक माली रोता हुआ राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो। क्या हुआ? महाराज आपकी बगिया में सूकर आया। महाराज बगिया को उजार दी। महाराज छुट्टी दे दो। तुम नौकरी की नहीं कर रहे हो? आपकी कर रहे हैं महाराज। मेरी कर रहे हो ना? मेरे हिसाब से ही चलोगे तो महाराज तुम मरवा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसी थोड़ी हूँ। ऐसा सुनो, आपके चार बच्चे, उन्हें भी देखना है। मतलब आप परमात्मा को आप ही जोड़ो। अगर कुछ हुआ उनको मैं थोड़ी रोक लूंगी। बच्चे तो बच्चे होते, चार चार बीवी है। परमात्मा काफी बड़ो है ना, तो इतना याद रखो मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। आपको जो भी करना है वही जाओ वापस और बाकी रखवाली करो। ठीक है महाराज। अकेले जाए महाराज के न्यू ले जाए के गुड्डू गोवरम प्रबंध कला कर लो जी। बता तो देंगे वहां पे कि जिंदे के मरेंगे। सही बात है, कपड़ा बड़ा तो पहुंचाए थी। माली एक बात सुनो। अरे संध्या को समय लला दुख मति दी जवाब दिया। आप जाओ, मैं सुबह होते ही शूकर का वध कर दूंगा। बंधुओं, सुबह हुआ राजा ने घोड़ा सजाया।
बगिया को घेरा है, लेकिन मारे विश्वामित्र राजा की छाती में लात जमाई और निकल गए। आगे जाएगी महात्मा को वेश धारण कर लियो, उतने से महात्मा आए रे उतने से राजा जाए रे। तो जब राजा ने इन्हें जगाओ जो सोई गई, हाँ ऐसे हेलो अम्मा सवेर हो गई कैसे नींद ले रही है, और बताए इनकी याद आती है जैसे ज्यादा और नींद आ रही हो, इन्हें विचार करें जे कि कोई देख लो लंबो सो घूंघट मारो, फुल नींद लेती है जी। महात्मा जी से पूछी राजा ने, महाराज की जय हो, आपने इधर सूकर जाते हुए देखा? बोले नहीं, क्या करोगे? बोले उसने मेरी बगिया को उजाड़ दिया, मैं उसका वध करूंगा। कौन हो? मैं अयोध्या नगरी का राजा हरिश्चंद्र हूँ। अरे वो हरिश्चंद्र जिसके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग तक फहराती है। महाराज आप जैसे संतों का और बड़ों का आशीर्वाद है, तू तो एक जीव की हत्या करने जा रहा है, अब पता चला कि तू बड़ा दुराचारी और अज्ञानी है, अब बैठ जा। बोले ऐसे समझदार तो काफी है। बोले मैं सोच रहा था कि मेरे घर में क्वारी करने हैं, उसके हाथ पीले करने हैं, तो तुझसे कुछ ले लूंगा। एक बात